भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं जलगांव के इष्ट देव पद्मालय गणपति महाराज को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। पाटना देवी तीर्थस्थान की आदि शक्ति चंडिका देवी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं और महान गणिताचार्य चालीस गांव के सपूत केकी मूसी को भी याद करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर महाराष्ट्र में दूसरी बार आया हूं। मैं कोंकण भी गया, विदर्भ की भी गया, मैं मुंबई भी गया, सब जगह घूम कर आया हूं, मराठवाड़ा भी जाकर आया। ये चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो चालीस गांव वालों, 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। अरे शिवराय के महाराष्ट्र में, शिवराय के महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है, महायुति की सरकार। ये कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद राहुल बाबा बड़े उत्साह में आ गए, हरियाणा का चुनाव आया, हम जीत जाएंगे, और परिणाम आया तो टाई फीस हो गया। हरियाणा में भाजपा सरकार बनी, झारखंड के अंदर आज मतदान होने वाला है, हो रहा है, झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झूठे वादों के आधार पर और जनता को गुमराह कर अपनी राजनीति आगे चलाती। अभी महाराष्ट्र में ही राहुल बाबा साहेब आंबेडकर ने जिसको बनाया वो संविधान लहरा रहे थे, संसद में शपथ ली तो भी वो संविधान की शपथ ली, और जब कुछ पत्रकारों के हाथ में वो संविधान आ गया, उसके पन्ने खोले तो सारे के सारे कोरे पन्ने थे भाई, अंदर एक भी शब्द नहीं लिखा था। राहुल बाबा नकली संविधान दिखाकर आपने देश की जनता का विश्वास तोड़ा है, आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान करने का काम किया है, और जिस संविधान की दुहाई देते हो वो संविधान को कभी आपने खोलकर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो भी मुझे मालूम नहीं है। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस की पूरी राजनीति फरेब के आधार पर चलने वाली है। वो कह रहे हैं कि महायुति की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट कम हो गया। चालीस गांव वालों, वो उनके जमाने की बात है जब अघाड़ी की सरकार थी, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र जी की, अजीत दादा की सरकार बनने के बाद 2 साल से एफडीआई में
हमारा महाराष्ट्र पूरे भारत में नंबर वन है, नंबर वन। और जो सारे विकास के काम पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किए थे, वो सारे विकास के काम अघाड़ी की सरकार ने बंद कर दिए, उसको फिर से एकनाथ जी और देवेंद्र फडणवीस ने चालू करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आपका एक वोट सिर्फ मंगेश जी को विधायक नहीं बनाएगा, आपका एक वोट महाराष्ट्र की लाडली बहना के अकाउंट में 2100 रुपया जमा करने वाला, आपका एक वोट महाराष्ट्र के किसानों के बैंक अकाउंट में, अभी 12,000 रुपया आता है, आपका ये वोट उसको 15,000 बनाने का काम करने वाला है, आपका एक वोट महाराष्ट्र में MSP के ऊपर 20% भावांतर योजना से किसानों के अकाउंट में पैसा देने वाला आपका एक वोट बनने वाला है, और आपका एक वोट भारत के भविष्य को मजबूत करने वाला। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया गांधी मनमोहन की सरकार चली, 10 साल तक पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, बम धमाके कर चले जाते थे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अगर किसी का यान सबसे पहले उतरा तो हमारे भारत का यान उतरा, और मोदी जी ने वो पॉइंट भी शिव शक्ति पॉइंट के नाम से रखकर शिव और शक्ति को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम। भाइयों बहनों, मोदी जी ने न केवल भारत को सुरक्षित किया है, भारत को समृद्ध करने का काम भी मोदी जी ने किया है। ये मनमोहन सिंह सरकार 11वें नंबर पर देश के अर्थतंत्र को छोड़कर गई थी, मोदी जी ने 10 साल में इसको, हमारे देश के अर्थतंत्र को दुनिया में 5वें नंबर पर लाने का काम किया। अरे 40 गांव वालों, क्या 5वें नंबर से खुश होते हो? तैयारी रखना, 2027 में भारत दुनिया का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनने वाला है। भाइयों बहनों, महाविकास अघाड़ी ने उत्तर महाराष्ट्र के विकास के सभी काम बंद कर दिए, जो फिर से एक बार महायुति सरकार ने चलाए। और मेरी बात याद रखना, गलती से भी अघाड़ी आ गई तो अपना समृद्ध महाराष्ट्र कांग्रेस का ATM बन जाएगा, ATM बन जाएगा। दिल्ली कांग्रेस को जब भी पैसा चाहिए, महाराष्ट्र सरकार का कार्ड डालकर महाराष्ट्र का पैसा ये दिल्ली के खजाने में ले जाएंगे, उनकी पार्टी में ले जाएंगे। और मोदी जी की सरकार बने, महायुति की सरकार बने,
तो दिल्ली का खजाना महाराष्ट्र के लिए मोदी जी खुला करने का काम करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। भाइयों बहनों, मैं एक जगह ऐसा बोला तो उद्धव जी को बुरा लग गया। उन्होंने कहा क्या दे दिया मोदी जी ने, अरे उद्धव ठाकरे जिनकी गोद में आप बैठे हो, कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की, उनकी इस देश में 10 साल तक सरकार चली। मैं आज 40 गांव के मंच से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताओ जरा, शरद पवार जी, राहुल जी, 2004 से 14 आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? नहीं बताते हो, मगर मैं भी तो बनिए का बेटा हूं, हिसाब लेकर आया हूं पूरा। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए भाई? जोर से बोलो, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ध्यान से सुनना, 2004 से 14 केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी उसने 1,91,000 करोड़ भेजा। कितना भेजा भाई? ध्यान से सुनो, 1,91,000 करोड़ रुपया, और मोदी जी ने 1,91,000 करोड़ के सामने 10,15,890 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजा। अगर अगाड़ी आई तो यहां का पैसा कांग्रेस पार्टी चलाने के लिए ले जाएगी, और महायुति आई तो दिल्ली का खजाने का पैसा शिवराया के महाराष्ट्र के विकास के लिए आएगा, विकास के लिए। अभी अभी मोदी जी ने वाढ़वान पोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है, जिससे महाराष्ट्र के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलने वाली है, 70,000 करोड़ रुपए से वाढ़वान पोर्ट की शुरुआत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अभी अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने कांग्रेस वालों को हिदायत कि भाई वादा वो करिए जो वादा आप पूरा कर पाओ, क्योंकि कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल, ये सभी जगह पे वो वादा कर पूरा नहीं कर पाए, वादा कर पूरा नहीं कर पाए। मगर मैं आज कहता हूं, मोदी की गारंटी पत्थर पर लकीर होती है, पत्थर पर लकीर होती है। आप एक बार महायुति की सरकार बनाइए, लाड़की बहन योजना में 1500 की जगह 2100 रुपया दिया जाएगा, किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा, किसान सम्मान निधि 12,000 से 15,000 करेंगे, और वृद्धावस्था पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपया करने का काम करेंगे। 10,00,000 युवाओं को 10,000 रुपया मासिक ट्यूशन फीस देंगे, 45,000 गांवों में पांदंड रास्ते बनाएंगे, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का मासिक वेतन 15,000 कर 5,00,000 तक का उनका बीमा भी देने का काम करेंगे। अभी मोदी जी
आयुष्मान भारत योजना में परिवार को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराते हैं। किसी भी आय वर्ग के वरिष्ठ व्यक्ति अगर परिवार में है 70 साल से ज्यादा उम्र के, तो और 5 लाख तक का इलाज उनके लिए मुफ्त करा दिया जाएगा। और हम महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की बनाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं?